अपनी जो जिंदगी है इसका कानून अपने हाथ में ले लेता है और खुदकुशी करता है इसको दीन इस्लाम ने हराम ठहरा सब हम देख रहे हैं जो कि सुसाइड केसेस हैं आजकल बढ़ रहे हैं अगर हम ऑल ओवर तो देखेंगे तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस शख्स की नमाज़ जनाजा से पीछे रहे तो इसमें एक मैसेज थी आम लोगों के लिए कि ऐसी हरकत करने वाला जो है वो मुझसे नहीं है इसका मेरे मुझसे जो ताल्लुक़ है वो कट हो गया है फ़ला शख्स ने खुदकुशी की तो क्यों की तो वो कहेगा कि इसके हाँ जो है माली मुश्किल है मसलाघर में या कभी वो कहेगा कि ये इम्तहान में किसी इम्तहान में फ़ेल हो गया मसला या वो कहेगा कि इसने कोई जॉब मखसूस चाहिए थी वो जॉब उसको नहीं सबसे अहम वजह जो इसकी है कि एक इंसान को जिंदगी की कदर की मत मारू अकबर तो ये एक हमारा एक जो मैनिफेस्टो था हमारे आज की इस गुफ्तु का ये यही था से नो सुसाइड एंड टू लाइफ नाजरीन मुकरम व सामिनी हजरात व रहमतुल्लाहि तआला व वरकू मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जावेद शमीम और आप देख रहे हैं इस्लाम वे ऑफ सक्सेस प्रोडक्शन और एक बार आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक स्पेशल एडिशन ऑफ गेस्ट इवेंट लेके लेकिन इस बार आंखें नम हैं दिल अरंजीदा हैं और वाकई ही मैं आपको कहूँ इस बार अल्फाज भी मेरा साथ नहीं दे रही हैं जी हाँ क्योंकि आए दिन जो हमारे समाज में देखने को मिल रहा है उससे हर एक वाकिफ़ हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ खुदकशी की सुसाइड केसेस का आप सभी हजरात देख रहे हैं हमारे वादी कश्मीर में बिलखसूस हम देख रहे हैं श्रीनगर में जो सुसाइड पॉइंट्स हम आज देख रहे हैं देखने को मिल रहे हैं या पूरे कश्मीर में यह एक ट्रेंड भी अब बन गई हैं लेकिन जो इस्लाम की रूलिंग से इसके बारे में वो भी हम जान रहे हैं इसी बात पे इसी टॉपिक पे आज हम लभकुशाई करेंगे जो आज हमारे मेहमान खसूस हैं ज़्ज़त मेहमान खसूशी जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं जिनको आप आए दिन चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफार्म हो चाहे वो टेलीविजन प्लेटफार्म हो चाहे वो दूरदर्शन का प्लेटफार्म हो हर एक आ, मीडिया पर जो फॉर्म हो हैं उन पर देखते हैं जी हाँ अपनी सही पहचाना में बात कर रहा हूँ फजीलतु शेख प्रोफेसर जहर अहमद शाह अल मदनी हाफल्ला की सबसे पहले हम वेलकम करेंगे अपने गेस्ट का असल वरम्व व बरकातहू शेख साहब कोई टाइम लिए बगैर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप पे फ़ोकस करूँगा क्योंकि हमारी जो बात है वो होगा छोटा मू बड़ी बात शेख हम डायरेक्ट आपसे रूबरू होंगे शेख साहब हम देख रहे हैं जो कि सुसाइड केसेस हैं आजकल बढ़ रहे हैं अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड देखेंगे सुसाइड तो होते ही रहते हैं और इसमें हिंदुस्तान हमारे इंडिया का जो शरा है वो पहले नंबर पे ही है लेकिन अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि वादी कश्मीर में ये ट्रेंड भी अब हो गई है सुसाइड केसेस पे ये चला रहे हैं फिर खुदकुशी कर रहे हैं और वीडियोस भी कर रहे हैं इन सभी बातों पे हम इनशा आपसे कुछ अब करना चाहते हैं ताकि हमारी आवाम जो है वो इससे वो जो वो खाब खरगोश की नींद में है उससे जाग जाए सबसे शेख हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एक खुदकुशी है इसकी तार, तारीफ़ फरमाई खुदकुशी है क्या वाकई है बसमीम नमदन वन वसूल करीम सबसे पहले मैं अल्लाह का बेशुमार और ला तदादाद सना करूँगा इसलिए कि अल्लाह त शकुर जो है वो बेशुार बरकतों का बास है अल्ला ने फरमायाजीदुम इसके बाद मैं आपका भी शुक्रगुजार गुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया कि नाजरिन कराम के, के साथ हम कलाम हो जाएँ इसलिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलम यशु वसम यश्कुल्ल् यानी जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का भी हक़ीकी मनों में शुक्रगुजार नहीं बन सकता और इसके बाद मैं आपको इस बात की भी मुबारकबाद दूंगा कि आपने एक ऐसा टॉपिक इस वक्त सिलेक्ट किया है जो कि एक बर्निंग इशू है और जिसने इस वक्त जो अहली दानिश हैं उनको झंझोड़ के रख दिया है इसलिए कि जो सुसाइड की जो रफ्तार है जो इसके वाक़ हैं वो किस हद तक अब बढ़ गए हैं कि हर दिन आ, मतलब ऐसे वाक़ात रोनुमा होते हैं और ऐसी खबरें आती हैं तो इससे पहले कि हम इसके दीगर तफासिल की तरफ जाएं सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सुसाइड या खुदकुशी जिसको अरबी में कहते हैं तो इसका माना मफहम क्या है जाहिर सी बात है कि इसका मफह इसके मफहम से हर शख्स वा, वाक़िफ़ है कि कत्ल नफ्स यानि अपनी ज़ात को अपने आप को कत्ल कर डालना और ये कत्ल कर डालना जो है इसी को इनतहार कहते हैं इसी को ख़ुदकुशी कहते हैं अब जो कि इसकी दो किस्म हैं अब जब इसकी किस्मों की बात आएगी उसी से इस टॉ इस हरकत की वजाहत हो जाएगी इसकी दोस्में हैं एक है शॉर्ट टर्म सोसाइड और दूसरा है लॉन्ग टर्म सोसाइड शॉर्ट टर्म सुसाइड जब हम देखते हैं तो उसमें कोई शख्स जो है वो ऐसी हरकत का अरतक करता है कि चंद लहजात के अंदर वो जो है हलाक हो जाता है और जहाँ तक लॉन्ग टर्म सुसाइड का ताल्लुक है उसमें एक शख्स कुछ ऐसी चीज़ों का इरतक करता है मसा उसने ड्रग्स का इरतकब किया मनशियात का इस्तेमाल किया तो कभी कभार वो एक साल कभी दो साल कभी तीन साल के बाद वो इस जुर्म के अरतक में मर जाता है इसको लॉन्ग टर्म सोसाइड कहते हैं तो खुला सा कलाम यही है कि खुदकुशी जो है अपने आप को कत्ल कर डालना है और जिस भी तरीके से उसको इख्तियार किया जाए बहरहाल वो ख़ुदकुशी के ज़ुमरे में आता है और उस पर ख़ुदकुशी के ही आकाम जो है इस्लाम में जारी होते हैं जी जज्ला खैर शेख इसके बाद दूसरा एक कोश्चन इस पर आरइज होते हैं सभी को पता है कि इस्लाम में इसकी रूलिंग क्या है लेकिन फिर भी इससे इरतक करते हैं शेख हमें जानना चाहते हैं कि इस्लाम में इसकी रूलिंग्स क्या है जो ये ख़ुदकुशी करते हैं सुसाइड करते हैं उसके बारे में इस्लाम की क्या शेख देखिए इस्लाम जो है अगर आप देखते हैं आप किसी से भी पूछेंगे कि इस्लाम का लफ्ज माना क्या है तो इसके मानी जो है ये इसका जो औरजन या रूट है वो है शिल्म और शिल्म सलामती को कहते हैं और इस्लाम उस मजहब को कहते हैं जिसको इख्तियार करके उस दीन को कहते हैं जिसको इख्तियार करके एक मुसलमान एक तो ख़ुद भी सलामती पाता है महफूज़ हो जाता है और दूसरा ये कि दूसरे लोग भी उसके हाथों से उसकी ज़ुबान से और उसके हर तरह की तकलीफ़ और शर से महफूज हो जाते हैं सलामती पाते हैं तो इसी दीन को सलामत इस्लाम कहते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सलामती से है, अब एक इंसान को जो है अपने लिए भी सलामती का बायस होना चाहिए और दूसरों के लिए भी सलामती का बायस होना चाहिए लेकिन जब एक शख्स अपना अपनी जो ज़िंदगी है इसका कानून अपने हाथ में ले लेता है और ख़ुदकुशी करता है इसको दीन इस्लाम ने हराम ठहरा है जिस जिस तरह की दीन इस्लाम में किसी और शख्स को ना हक कत्ल करना हराम है वैसा ही एक इंसान के लिए ये बात भी हराम है कि वो आपने आपको को कर डाले अब हराम का मतलब क्या है आम लोग आम लोग जो हैं वो हराम का माना नहीं समझते हराम का मतलब होता है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिद्दत के साथ इससे मना किया होता है और इस पर किसी अज़ाब की वार्निंग और तंबी दी गई होती है और इसकी बहुत सारी काबाहत होती है बहुत सारी मजम्मत की गई होती है दीन इस्लाम में इसी चीज़ को हराम कहते हैं अब दीन इस्लाम में सोसाइड जो है ऐसे ही हराम है या इससे भी ज़्यादा हराम भी है, है कि और दीगर जो मुनकरात हैं जो दीगर हराम चीज़ें हैं मुहरमात जिनको हम कहते हैं जो इस्लाम ने हराम किया उनमें शदी तरीन हराम चीज़ें जो हैं उनमें कत्ल नफ्स यानी ख़ुदकुशी का भी जुर्म है भी। तो खुला सा यह है कि दीन इस्लाम में ख़ुदकुशी जो है वह एक हराम भी। भी। फैल है और ख़ुदकुशी के बारे में हमें ये जान लेना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बावजूद कि आप वसल्लम वसम आलमीन थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर एक के साथ उनका सलूक ऐसा था वो आप जानते दुण। हैं दुण। अमीन के लकब से उनको याद किया जाता था लेकिन इसके बावजूद जब आप सलील आल वसम को ये ख़बर दी गई कि किसी शख़्स ने ख़ुदुशी की तो आप सलील वसम उसकी जनाजा के लिए नहीं निकले जनाजा की नमाज़ की जो थी वहाँ पर उसमें वो आप सल्ह वसम शरीक नहीं हुए तो यहाँ से हमें खुद पता चलेगा कि ये कैसी कभी तरीन और कैसी मतलब बदतरीन हरकत है कि ऐसी हरकत करने वाले के जनाजे में रसूल वसल्लम शरीक नहीं हुए और इस्लाम ने भी यही कहा है कि अहिल इल्म को और जो लोग आ, समाज में नुमाया होते हैं उन लोगों को ख़ुदकुशी करने वाले के जनाजे में शरीक नहीं होना चाहिए नहीं। और जहाँ तक ख़ुदकुशी करने वाले की सज़ाओं का ताल्लुक़ है चूँकि दीन इस्लाम ने यह कहा है कि ये एक हराम हरकत है और फिर जो शख़्स खुदकुशी करता है उसके बारे में रसूल वसल्लम ने फरमाया जैसा कि बुखारी और दीगर अहादीस की खिताबों में मौजूद है कि जो शख्स ख़ुदकुशी करके अपने आप को कत्ल कर डालता है तो मरने के बाद उसका अजाब जो है वो शुरू हो जाता है अब ये देखिए खुदकुशी करने वाला इस दुनिया में चाहता है कि उसकी तकालीफ का खात्मा हो जाए लेकिन ये इसकी एक ऐसी जहालत है और हमाकत है इसको मालूम होना चाहिए कि इसकी जो असल जो तकालीफ हैं जो मुसीबतें हैं उनका आगाज़ अब हो जाता है इसलिए कि रसूल सल्लास ने फरमाया कि जो शख्स किसी भी तकलीफ से अपने आप को कत्ल कर डालता है मरने के बाद की ज़िंदगी में वो हमेशा उसी अजाब में मुबतला रहेगा यानी जिस तरह उसने अपने आप को कत्ल किया होगा तो वैसे ही अजाब में वो मरने के बाद बरजखी ज़िंदगी में और उखरवी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा उसी अजाब में रहेगा तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दीन इस्लाम ने ख़ुदकुशी किए इस जुर्म को कैसे मतलब नफरत और मजम्मत की निगाह से देखा है और इस पर कैसे मतलब आज़ाब की वईद भी बताई गई है और रसूल सल्ला वसम ने कैसे खुदकुशी करने वाले के जनाजे से जो है वो किनारा कशी इख्तियार की है जी जी है शेख इसके बाद और एक क्वेश्चन एराइज़ होता है कि इस पर थोड़ी गुफ्तु होनी चाहिए वजाता वह होता है कि अक्सर हम देखते हैं इनको पता ही नहीं होता है कि इसकी क्या ताक़ीद की है इस्लाम ने इनकी जो पनिशमेंट और जनाजे में अगर हम देख सक देखें लेकिन हमारे वादी में क्या होता है जिन जो सुसाइड भी करते हैं ख़ुदकुशी करते हैं फिर भी लोग उनके जनाजे में शामिल होते हैं इस बारे में कुछा अगर देखें जो मोल हजरा वायजीन होते हैं वो भी जाते हैं अगर वो खुद को रोक पाए तो इससे भी कुछ मैसेज जा सकती हैं इस बारे में आपकी थोड़ी वजाहत चाहिए देखिए इस वक्त दुनिया में जो जराइम फैलने की एक वजह है वो है कि जो मुजरम होते हैं उनके इस जुर्म को ग्लैमराइज़ किया जाता है और यही हम इस वक्त अया में सोशल मीडिया में भी देखते हैं मतलब जो शख्स ख़ुदकुशी करता है हमें ये जान लेना चाहिए कि ये अल्लाह का नाफरमान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है और हमें इसको इसी निगाह से देखना होगा तो अब जो शख्स इस चीज़ को सोशल मीडिया पर भी आम करता है और ऐसे लोगों को हीरो के तौर पर पेश करता है उसको जान लेना चाहिए कि वो गैर शूरी तौर पर वो ऐसी हरक़त को समाज में फ़रो देता है इसलिए कि जब किसी ने मतलब ऐसी हरकत करने वाले को ग्लैमराइज़ किया और उसको सजा दजा के समाज में पेश किया तो जाहिर सी बात है कि बाद में देखने वाले जो लोग होते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अक्ल और दानिश से पुख्ता नहीं होते हैं तो वो एक एक असर ले लेते हैं ऐसी हरकत से फिर कभी कभार वो भी ऐसी हरकत के बारे में सोचते हैं तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि रसूल वसल्लम जो इस शख्स की नमाज जनाजा से पीछे रहे तो इसमें एक मैसेज थी आम लोगों के लिए कि ऐसी हरकत करने वाला जो है वो मुझसे नहीं है इसका मेरे मुझसे जो ताल्लुक़ है वो कट हो गया है नहीं। नहीं। वो अब मुन हो गया नहीं। नहीं। अब उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है नहीं। नहीं। और इसी वजह से रसूल वसम ऐसे शख्स के जनाजे से पीछे रहे तो यहाँ पर मैं भी के राम से गुजारिश करूँगा और तलाबाई दीन जो हैं तो इल्म जो उन उनसे भी गुज़ारिश करूँगा कि वो ऐसे लोगों के जनाजा से दूर रहें जैसा कि रसूल सल्लि वसम की रहनुमाई है और मुश्तिन ने भी ऐसा ही फरमाया है और फिर इसका एक असर इसका इसका एक फ़ायदा है एक मकसद है क्यों रोका गया है मकसद यही है कि समाज में एक मैसेज चला जाए मैसेज यही होगा कि नहीं इस तरह की हरकत जिसने की नहीं इसने रसूल सल्लि वम के साथ इस मौके पर जो है वफ़ादारी नहीं की अल्लाह की इसने नाफरमानी का अरतक किया और इस तरह का शख्स जो है उम्मत मुस्लिम के लिए भी कोई मतलब इसका वजूद जो है अच्छी बात नहीं है तो हम ऐसे शख्स से दूर रहेंगे तो यही हमारा वतीरा इसके बारे में होना चाहिए खैर शेख इसके बाद और एक अहम क्वेश्चन है जो भी मानूँगा जो सबसे अहम क्वेश्चन है सुसाइड तो करते हैं लेकिन हम ये जानना चाहेंगे इसके जो इसबाब हैं उन पे उन पर आप लोग शेयर करें देखिए ये जो सुसाइड का आज कल जो इस पर बातें हो रही हैं तो इन में जो न्यूकलस या जिसको हम लुबलब कहते हैं वो यही मसला है कि इसके इसबाब क्या है हम इसके डाटा में नहीं जाएंगे, इसके स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाएंगे कि कितने सारे वाक़ होते हैं और कैसे होते हैं उन वो ऐसी चीज़ें हैं जो इंफॉर्मेशन इस वक्त आम है उस पर ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन असल में है एजाजा असबाब बताज एक अरब कहावत है कि जब किसी भी बारे में किसी भी तकलीफ़ के बारे में आफ़त के बारे में वजह सामने आ जाती है तो जो है उसका ख़ात्मा हो जाता है वरना एक इंसान सोचता है कि एक एक अशरफुलमखलूक़त जिसे अल्लाह ताला ने ऐसी ती अकदानिश से नवाज़ा है कि उसने इतनी सारी ईजादात और इतनी सा, सारी सारी तरक्याँ इस वक्त दुनिया में की हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर सकता है दिए। दिए। लेकिन जब हम अबाब की तरफ़ जाएंगे और उसबाब की तरफ जाना ही बुनियादी काम होना चाहिए इसलिए कि इसबाब का जब हम मताल करेंगे उस पर गौर वौज करेंगे फिर उन इस्बाब का सदबाप करके ही हम लोग जो है इस आफत को किसी हद तक रोकने में जो है अपना किरदार निभा सकते हैं तो जहाँ तक इसबाब का ताल्लुक है अब यहाँ एक बात ये अर्ज कर दूँ कि इसमें दो चीज़ें होती हैं एक है इसबाब और दूसरे हैं मुहर्रिका अगर आप किसी भी शख्स से पूछेंगे कि फलां शख्स ने खुदकुशी की तो क्यों की तो वो कहेगा कि इसके हाँ जो है माली मुश्किल है मसला घर में या कभी वो कहेगा कि ये इम्तिहान में किसी इम्तिहान में फ़ेल हो गया मसला या वो कहेगा कि इसने कोई जॉब मखसूस चाही थी वो जॉब उसको नहीं मिली या वो कभी ये कहेगा कि वो चाहता था कि कहीं किसी जगह उसका निकाह हो जाए लेकिन वो निकाह नहीं हुआ तो इसने खुदकुशी कर ली और कभी कभार वो कहेगा कि इसके घर में कुछ मुश्किल थे जैसा कि घरेलू मुश्किल होती ही रहते हैं तो ऐसा हो कि उसने के उसने खुदकुशी की कभी कबार वो कहेगा कि इसके फ्रेंड के साथ कोई अनबन हो गई तो इसने खुदकुशी की लेकिन ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये ये महर्रिक हैं ये ट्रिगर्स ये इसबाब नहीं होते हम लोग बुनियादी तौर पर यहाँ पर ख़लत मलत करते हैं ट्रिगर्स पर ज़्यादा तोज्जो देते हैं और इन्हीं को इसबाब समझते हैं जो हमारी बहुत बड़ी गलती है इसबाब जो है वो कुछ और होते हैं फिर ये चीज़ें जो है ये ट्रिगर्स बन जाते हैं तब जाके एक ठीक है हमें हमारी नज़र इसबाब पर ये महर्रिकात पर भी रहनी चाहिए ट्रिगर्स पर भी रहनी चाहिए और इनके सदबाव और इज़ाले के लिए हमारी कोशिश भी होनी चाहिए इसमें कोई शक नहीं लेकिन अहम बात जो है वो इसबाब की है अब इसबा की तरफ जब हम जाएंगे तो इसबाब में से सबसे अहम जो उसब हैं चूंकि इसबाब की बहुत बड़ी फहरस्त है कि एक शख्स कैसे तैयार हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा करेगा खुदकुशी करेगा और इसमें सबसे अहम जो है वो ये है कि एक इंसान जिसको हम अरबी में कहते हैं अलजहलुबी क़ीमत यानी जिंदगी की कदर कीमत ना जानना बिल्कुल चूंकि जो जिंदगी हमें अल्लाह तहफा दिया हुआ है ये कितनी कीमती है क्योंकि ये एक बार एक इंसान को मैसर हो जाती है और अगर उस इंसान ने इस ज़िंदगी का सही इस्तेमाल किया तो वो आखरत में कैसे हमेशा के आराम में रहेगा और अगर ने उस इस ज़िंदगी को ज़ाया किया तो वो आखरत में कैसे हमेशा के अजाब में रहेगा तो ये बात जो है उसको ये चीज़ समझने पर आमादा करेगी कि ज़िंदगी नहायत ही कीमती है ज़िंदगी नहायत ही अहम है और इस ज़िंदगी के साथ किसी किस्म का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए नहीं। तो मेरे नज़दीक जो मैंने इसमें थोड़ा सा मताल किया जो कुछ ओलमा ने लिखा है जो, या जो कुछ ने बयान किया है उसको देख कर मुझे लगा कि सबसे अहम वजह जो इसकी है कि एक इंसान को ज़िंदगी की कदर कीमत मालूम नहीं होती दूसरी वजह जो इसकी है वो है अलजहल बया यानी ज़िंदगी के मकसद को ना समझना इसलिए कि अगर आप किसी आप जाइए किसी बच्चे से पूछिए या किसी बच्ची से पूछिए कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है तो आप देखिए वहाँ से आपको कैसे कैसे जवाब मिलेंगे हती कि हमें भी मदारस में स्कूल में लिखवाया जाता था माई एम इन लाइफ तो वहाँ पर यही लिखाया जाता था कि आप डॉक्टर बनिए आप इंजीनियर बनिए ठीक है ये चीज़ें दुनियावी ज़िंदगी के लिए एक ज़रूरत है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन बुनियादी तौर पर जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है वो अल्लाह ताला ने जारियात में फरमाया हुआ है वमा ख़ल उजन्नऊलिनसूँ तो जब आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये तय कर लिया कि मुझे फ़लाँ जगह निकाह मेरा होना चाहिए और मैं ही इसका हकम हूँ यानी मैंने चाहा तो ये होना चाहिए और मैं ही दानशमंद हूँ कि यह मेरे लिए फ़ायदा मंद है और ये होना ही होना है जब आपने ये अपनी ज़िंदगी का मकसद तय कर लिया तो जाहिर सी बात है जब कभी कबार उस निकाह में कोई रुकावट बन जाती है एक इंसान समझता है कि उसकी ज़िंदगी ज़ाय हो गई तो वो सोचता है कि मुझे मर जाना चाहिए लेकिन जब वो ये समझेगा कि ये इस दुनिया की चीज़ें ऐसी हैं जो कभी हो भी सकती हैं कभी नहीं भी हो सकती हैं इनकी इन में कभी खैर भी हो सकता है और कभी इनमें शर भी, इन शार भी शार हो भी सकता भी है।, है तो मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा जब अल्लाह चाहेंगे तब वमा तशाऊना ऊना अशा अल्लाह रब्लम जब अल्लाह चाहेगा तब ही हो सकता है जब ये चीज़ें हम अल्लाह पर छोड़ेंगे और अपनी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद जो है अल्लाह की इबादत तोहिद के साथ ये समझेंगे तब ही जाके हम इस मुसीबत और इस आफत से निकल सकते हैं इसलिए कि हम हमारा जो ज़िंदगी का मकसद है वो है वमा ख़लविनस अबूनि एक अल्लाह की इबादत तो हो और दूसरी चीज़ें जो है, वो एक ऐसी हैसियत रखती है हमारी ज़िंदगी के लिए जैसा कि पानी एक कश्ती के लिए हैसियत रखता है अगर वो पानी उस कश्ती के अंदर चला गया तो वह कश्ती गर्क हो जाएगी और अगर वो पानी सपोर्ट के लिए बाहर रहा तो ठीक है किश्ती की उसका जो सफ़र है वो रवा दवा रहेगा वो इस्बाब की जब और हम बात करेंगे वह है अलजहलुबसन्नतबिला यानी अल्लाह का कानून है एक कायदा है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आजमाइश का जो क़ानून है वो जारी कर दिया है आप इस आजमाइश में जो है वो कभी खैर भी हो सकता है कभी शर भी, भी हो सकता है आजमाया जो जाता है इंसान को दोनों तरीक़ों से आजमाया जाता है कभी उसको नवाज़ा जाता है खुशियों से कामयाबियों से तो उसको आजमाया जाता है कि क्या वो शुक्रगुजार बनता है कि नहीं कभी उसको तकलीफ से और नाकामियों से आज़माया जाता है और वहाँ पर देखा जाता है कि वो सब्र करता है कि नहीं आप कोई शख्स इस कानून को नहीं समझता अगर आप उससे पूछेंगे कि आप मतलब ख़ुदकुशी के बारे में क्यों सोच रहे हैं वो कहेगा कि ये तकलीफ हुई वो परेशानी हुई वो मुसीबत आ गई तो उसको ये मालूम नहीं कि ये इंसानी ज़िंदगी का एक क़ानून है जो अल्लाह इब्तिला के नाम से उसको जारी किया है और कुरान में भी इसके बारे में आहादीस की मैं भी इसमें इसके बारे में बहुत सारी वजाहत आई हुई है मतलब ये है कि एक इंसान जब इस दुनिया के आजमाइश के क़ानून को नहीं समझता तब जाके उसके लिए जो है खुदकुशी की रास, के रास्ते जो है वो खोल जाते हैं इसके अलावा और भी वजूहत हैं मसा उनमें से एक है सोजन बिल्ला यानी अल्लाह साथ बदगुमानी करना मसा किसी इंसान को कोई तकलीफ हुई मसा वो कोई वो जॉब कोई कारोबार चाहता था लेकिन वो कारोबार का रास्ता उसके लिए नहीं खुला वो उस कारोबार में आगे नहीं बढ़ सका यहाँ पर वो अल्लाह ताला के साथ एक बदगुमानी करता है कि अल्लाह ताला, ताला ने मुझ पर ये जुल्म किया अल्लाह ताला, ताला ने मेरे लिए रास्ते बंद कर दिए और मेरे लिए बहुत सारे लोग नाजुबिल्ल हमारे समाज में ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने हम हमसे जो है रुख मोड़ लिया है फेर लिया है नावज़बिल्ला ये तो कुफ्रिया का है और कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के दरबार में हमारे लिए कुछ नहीं है तो गोया कि जब आप अल्लाह ताला के साथ जुन रखेंगे बदगुमानी रखेंगे तो फिर मामला कैसे सुधर सकता है मामला उस इंसान के लिए बिगड़ जाएगा और उसके लिए जो है इस दुनिया में जो है वो मुश्किल ज़्यादा हो जाएंगी और फिर और वजूहत और इसबाब जो हैं उनमें से आखरत पर ईमान की कमज़ोरी तो एक शख्स जब उस पर अगर आखरत पर ईमान होता तो उसे मालूम होता है कि आखिरत में दाखिल होने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर चैनल जिसको हम कहते हैं सही रास्ता जो है वो वो मौत है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकद्दर कर रखी होगी अब वो जो जब ख़ुदकुशी के दरवाजे से आखिरत में चला जाएगा गोया कि वो एक ऐसे घर में जिसमें उसे हमेशा रहना है और हिसाब किताब भी देना है उसमें चोर दरवाजे से दाखिल हो गया अब जब वो चोर दरवाजे से दाखिल हो गया तो जाहिर सी बात है कि चोर के साथ सबसे पहले जो मामला है वो कैसा होगा और फिर उसका अंजाम भी उस घर में कैसा होगा तो अब एक शख्स को जब इस पर ईमान होगा कि आखिरत हमारे लिए हमेशा का घर है आखिरत में हमें जवाब देना होगा और ख़ुदकुशी हराम है और इसके लिए आखिरत में इस तरह का अज़ाब होगा तो जाहिर सी बात है कि वो खुदकुशी के बारे में सोच भी नहीं सकता चीजाए कि वो इसका इरतक करे और इसी तरह से और इसब जो इसमें इसके हैं उनमें से कुछ इसबाब एक र सब ये है कि औरों की तकालीफ से तजाह़ुल बरतना यानी वो नहीं जानता कि और मुश्किल में है मसा कोई शख्स आप पूछिए कि क्या हुआ तो वो कहेगा कि मसा उसकी वालदा का इंतकाल हो गया और यहाँ से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में एक ही साल में तीन चार पाँच छः कभी कभार दस अमवात भी हो जाते हैं उनके ख़ानदान में एक ही साल में और मसा इसी तरह से किसी का नुकसान हो मतलब होता है कि वो कहता है कि मेरे कारोबार में इस तरह से एक हज़ार का एक लाख का नुकसान हो गया लेकिन यहाँ हम समाज में देखते हैं ऐसे लोग या तो उनका करोड़ों का नुकसान होता है या उन उनका कारोबार आगे एक कदम भी नहीं चलता नहीं। तो मतलब ये है अच्छा कभी कभार ये होता है कि तकालीफ मसा घर में कोई परेशान कोई बीमार होता है और दूसरे घर में जब हम देखते हैं कि उस सैकड़ों या दर्जनों बीमार किसी ख़ानदान में होते हैं तो जब हम इस तरह से देखते हैं कि दूसरों की तकालीफ पर नज़र ना रखना इसलिए कि हमें ये सिखाया गया है कि दुनिया में आपको अपने से नीचे जो लोग हैं उनकी तरफ़ आपको देखना चाहिए और दीन के बारे में आपको आला लोगों की तरफ़ देखना चाहिए लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम दुनिया के बारे में अपने से बड़े लोगों की तरफ़ देखते हैं कि इसके पास इतना कुछ है तो मेरे पास क्यों नहीं, नहीं। ये हम रसूल सल्लिम की मुखालफत से ही ऐसी हरकत करते हैं तो इसका नतीजा भी बुरा होगा तो मतलब ये है कि हमें दूसरों की तकालीफ पर नज़र रखनी चाहिए फिर इसमें एक और वजह है कि हम जुबान नहीं खोलते कभी कभार हमारे मसाइल जो हैं बहुत ही आसान उनका हल होता है अगर हम मसान सबसे पहले जो हमारे समाज में अल्हदल होते हैं का काम सिर्फ़ ये नहीं कि दो रकात की उन्होंने इमामत कर दी और मसला ख़त्म हो गया वो आप देखिए रसूल वसमल के साथ क्या मामला होता था रसूल रसूलसम जब नमाज़ पढ़ाते थे नमाज़ के फ़ौर बाद वो अपने जो मुक्तदी होते हैं उनकी तरफ वो मुँह अपना चेहरा मुबारक जो है चेहरा अनवर जो है वो उनकी तरफ़ करते थे क्यों हमारे समाज ने इसको ऐसे लिया कि हमें वहाँ इजमाही तौर पर अजगार कर दें वरना वो इसलिए था कि रसूल सल्लि वसम नमाज, अगर नमाज अगर के बाद अपने मुक्तियों उस जमात का जायज़ा लेते थे कोई परेशान तो नहीं अगर किसी को रसूल सल्लि वसम थोड़ा सा मायूस देखते तो उसे बुलाते थे और पूछते थे और कभी रसूल सल्लिह ये भी पूछते थे कि आप में से किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा यानी अगर कोई शख्स ख़्वाब की वजह से परेशान हुआ हो उसका हाल भी रसूल सल्लि वसम पूछते थे फिर लोग अपनी मुश्किल जो हैं रसूल रसम के सामने रखते थे और आप सल्ला वसम उनके बारे में हलूल जो सलूशन हुआ करते हैं वो बयान करते थे तो मतलब ये है कि जो लोग इस कई तरह की परेशानियों में होते हैं उनको जाना चाहिए ऐसे लोग जो नासिहीन हैं जो वेल विशर्स हैं जो खैर ख़ा हैं हमारे समाज में और मेरा मानना यही है कि अलहमदिल्ला उसमें सबसे सैर फहरिस्लम लोग होते हैं इसलिए कि किलमा लोगों के पास जो है मतलब दीन की सोच होती है दीन का फहम होता है वो समझते हैं कि दीन में इबादत सिर्फ़ यही नहीं है कि कुछ तस्बीहात पढ़ी जाए कुछ आयत का विरद किया जाए हम जानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद नबवी में मैं एक महीना एतिकाफ करूं इससे मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मैं एक मुसलमान की किसी एक हाजत में उसके काम आ जाऊँ तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है और अलहद ला इल्म आज भी रहनुमाई का और ख़ैर खाही का और जो वो काउंसलिंग इस वक्त चाहिए हमारे जवानों को या दूसरे लोगों को अलहमदल उलमा उसमें आगे आगे हैं लेकिन ज़रूरत है कि ये मुश्किल में जो इंसान होता है वो जाए आगे मैं जाती तौर पर बात करूँगा मतलब हर एक शख्स की ज़िंदगी में बहुत सारे मुश्किल आते हैं और मेरी ज़िंदगी में भी आए और मैं गया उस वक्त ऐसे लोगों के पास जिनके पास जाना चाहिए मसा तो जो अहल इल्म होते हैं या जो अहल दानश या खैर खा होते हैं और उनके पास बैठ के उनके साथ बात की तो अलहमदिल्ला वहाँ से हम हम समझते हैं कि मस एक हल आ जाए लेकिन कभी कभार हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसके दर्जनों हल हमारे सामने आ जाते हैं और बहुत सारे हम समझ जान सोचते हैं या इस तजस उसमें होते हैं कि हमारे लिए एक दरवाज़ा खुल जाए और अल्हमदिल्ला वहाँ से सैकड़ों दरवाज़े खुल जाते हैं लेकिन मसला यह है कि अन्नहुम वल्ल अल्लाह ताला फरमाते जो हमारी रजा में हमारी खुशनुदी में कोशिश करता है तो हम उसके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं तो अल्लाह ताला, ताला ने ये भी फरमाया तक लाह या मखरजा जो अल्लाह ताला से डरता है तो अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देते हैं अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया अल उस्र अल उस्र इनरा मुफसरी ने कहा कि इस आयत से इन दो आयात से पता चला कि एक मुश्किल के साथ दो आसानियाँ होती हैं और आगे फर्मा वालसर युसरा यानी एक मुश्किल दो आसानियों पर गालिब नहीं आ सकता तो मतलब ये है कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो वेलविशर्स हैं जो खैर खाँ हैं जो नासहन हैं जो हमारी मुश्किल में हमारे काम आ सकते हैं लेकिन ज़रूरत है एक इंसान को कि वो ऐसे मसाइल ले सामने आ जाए और इनके बारे में मतलब तो जो राहें हैं उन राहों को तलाश करें ताकि उन उसके लिए जो है ये जो असबाब हैं इन असबाव का इजाला हो जाए जी, जी। शेख अब जो दो पहलू हैं इस पर उन पर हम ज़्यादा लब कुशाई करेंगे शेख वो है जो आपने पहले फरमाया महरिकात जो हम देखेंगे ट्रिगर पॉइंट्स भी होते हैं शेख हम देखते हैं चाहे वो डिप्रेशन हो चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो चाहे वो अनए्लॉयमेंट हो चाहे वो फैमिली प्रेशर हो चाहे वो या हम देखते हैं शेख ये हराम रिलेशनशिप्स होती हैं जो भी इनमें होते हैं या चाहे हम छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन हाथ में थमा देते हैं जिनको भी पता नहीं होता है या उनको आज हम देखते हैं जो आज सुनने में भी आ रहा है या होता भी है इनके साथ चीट किया जाता है जिनको भी मोबाइल चलाना भी यूज़ नहीं होता है उनके साथ या कुछ वीडियोज़ भी चाहे उठाते हैं फ्रॉड कॉल भी आती हैं वो भी इनमें आते हैं शेख और जो इनको चाहते हैं कि फिर उनको वो प्रेशराइज करते हैं कि हमें वो दो ये दे या फाइनल इतना दो जब वो घर वालों को नहीं बोलते हैं जो कि उनकी इतनी एज भी नहीं होती है ये सब जब देखते हैं तो ये क्या सुसाइड का रीज़न बन सकती है देखिए एक अहम बात जो मैंने शुरू में की वो है हया जी फिकल का हयात का मतलब होता है कि ज़िंदगी को समझा जाए क्योंकि ये ज़िंदगी जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सबसे अहम मसला ये है कि ये ज़िंदगी जो है मुश्किल से भरी पड़ी है इसमें कोई शक नहीं और एक एक, एक इंसान उसी को कहते हैं जो इन मुश्किल से लड़ के जो है एक ये जो ज़िंदगी की जंग है इसमें कामयाब हो जाए और दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में अल्लाह ने दोनों रास्ते अल्लाह खुद फ़रमाया इन्ना हदैना हु सबीला इम्मा शाह इम्मा कपूरा या एक और जगह अल्लाह तरमाया कि व हदैै ना हन् हमने इस इंसान के लिए दो रास्ते रखे हैं अब हर एक इंसान को समझना चाहिए कि वो दो रास्तों पर है अब, अब अल्लाह ताला ने शूरत दहर में फरमाया है कि इमां शाहिर कफूरा अब इंसान के ज़िम्मे ये है कि वो कौन सी राह इख्तियार करता है क्या वो शाकिर यानी अल्लाह ताला के फरमा बर्दार या का कफूर यानि अल्लाह तला के नाफरमानी करने वाले का रास्ता इख्तियार करता है तो ये इख्तियार इंसान को दिया गया है अब ये जो सारी चीज़ें आपने बयान की हैं इनमें भी हर वक्त एक इंसान जो है इसी दो राहे पर होता है और इस दो राहे पर सबसे पहले उसको अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करना चाहिए जब वो अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करेगा तो वो खुद खुद ये समझ लेगा मसाएँ अभी आपने मोबाइल फ़ोन की मिसाल दी दी तो हर एक शख़्स ये जानता है कि मोबाइल फ़ोन जो है इसके पॉजिटिवस भी हैं और इसके नेगेटिवस भी हैं और जैसा कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जैसा कहा जाता है और इस पर बहुत कुछ कहा गया है इसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमारे पास इस वक्त बहुत सारा जो कंटेंट है हमें मिल सकता है अगर हम इसकी तलाश करें तो तो यहाँ पर एक इंसान को ख़ुद ये देखना चाहिए कि क्या मैं इस नेमत को अल्लाह की खुशनुदी में सरफ करूँगा तो ये मेरे लिए एक रहमत बन जाएगी या इस नेमत को अल्लाह नाफरमानी में इस्तेमाल करूँगा तो ये मेरे लिए एक जहमत बन सकती है या अजाब का बायस बन सकता है और इसी तरह से मसा आपने मिसाल दी आ, मिसाल के तौर पर इस ड्रग एडिक्शन की हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो कुछ हमें खाने के लिए दिया है उसमें या जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें अल्लाह ताला ने हमको दो राहे पर छोड़ा है ये आपके लिए हलाल चीज़ें हैं तैयब जिनको अल्लाह ताला, ताला ने फरमाया और ये आपके लिए हराम हैं जिनको खबाइस अल्लाह ताला, ताला ने फरमाया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन भी यही बयान किया कि युलह यह बात व यूहार मौलिस कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करार देते थे और ख़बा इस नापाक मरदार चीज़ों को वो हराम करार देते थे अब इस दो राह पर जब हम हैं तो हमें सबसे पहले अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम पाक़ीज़ा चीज़ों को इख्तियार करेंगे या नापाक चीज़ों को इख्तियार करेंगे फिर इसके बाद मसा आपने एक और ट्रिगर की बात कि मसा एक इंसान की जाती ज़िंदगी में ऐसे मसा मसा निकाह के बारे में उसका मसाला हो गया या और कोई जो उलझन इसकी ज़िंदगी में आ गई तो हाँ वहाँ पर हमें देखना चाहिए कि इसके डिप्रेशन हो या ऐसी चीज़ें हों तो ये क्यों हो जाती है हमें देखना चाहिए कि इस दुनिया में जिन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़ होता है वो दो तरह के होते हैं एक आपके नासहिन होते हैं और दूसरे आपके फादहीन होते हैं नासिन का मतलब होता है कि जो आपका अच्छा चाहने वाले होते हैं सबसे पहले वो आपके वालदे होते हैं आपके पेरेंट्स होते हैं फिर उसके बाद आपके जो दीगर फैमिली मेंबर्स होते हैं या जो आपकी जो सारी डायनास्टी होती है वहाँ वो लोग अलहमदिल्ला आपके खैर खा होते हैं और इसके साथ साथ आपके कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको हम कहते हैं वो आस्तीन के सांप जी। होते हैं तो उन आस्तीन के सांपों को हमें समझना होगा इसलिए कि ये ये वो दो राह के मतलब का मोड़ है जहाँ पर हम इस बारे में होते हैं कि हमें पहचान करनी होगी ये रसूल सल्लल्लाहु रस में ने ने फरमाया इन से मफाती मगाली कुलशर कि लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मफाती हिल खैर वो खैर यानी अच्छाई को खोलने की चाबियाँ होते हैं यानी आप उनके पास बैठेंगे तो आपके लिए खैर के दरवाजे खुल जाएंगे व मगाली कुलिस और वह आपके लिए शर के दरवाजे बंद करने वाली चाबियाँ होंगी आप जो भी शर की बात करेंगे वो लॉक करेंगे वो रास्ता आपके लिए और आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराम व इन नफाति शर व मगाली कुल खायर और लोगों में से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास आप बैठेंगे वो आपके लिए शर का दरवाज़ा खोलेंगे और जब भी आप कोई अच्छाई की बात करेंगे वो आपके लिए उस दरवाजे को लॉक करेंगे ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी हुई है और सही अदी सुनिबन की है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लोग जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है उस बारे में भी हम दो राह पर हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे नासिन यानी हमारे वेल विशर्स कौन हैं तो उनकी बातों पर जब हम इनशा चलेंगे जो हमारे वालदेन होते हैं जैसा कि मैंने कहा हमारे इस होते हैं और हमारे दीगर खैर ख़ा होते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में भी अलहमदिल्ला बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मतलब खैर खा होते हैं तो उनको हमें पहचानना होगा और उनके आ, मतलब उन सही बातों की रहनुमाई जो होती है उसको हमें लेना होगा तब जाके हम इन मुसीबतों से महफूज हो सकते हैं और दूसरी तरफ जो लोग हमारे आ, मतलब खैर खा होने के बजाय हमारे जर भी हो, ही होते हैं तो उनको हमें पहचानना होगा और उनके फितन से हमें अपने आप को बचाना होगा जब हम ऐसा कर पाएंगे तभी जाके हम इन से भी इन महफूज हो जाएंगे एक आखिरी सवाल अब जो है वो हैं जो हमारी रेस्पांसिबिलिटीज क्या हैं ज़िम्मेदारियाँ हमारे पे क्या आयद होती है चाहे वो पेरेंट्स हो ओलामा हो टीचर्स हो जो भी इंडिविजल हैं हमारे समाज में इस पर आप शेख कर ये ये भी इसमें दो मतलब दूसरी एक अहम बात है सद के बाद की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप किसकी है आम तौर पर हम अपने समाज में देखते हैं कि हर एक जो है वो अपनी जिम्मेदारी से अपना दामन छुड़ा लेता है वो छुटकारा हासिल करने के दर पे होता है कि मैं कैसे बचूं, मैं मुझ पर कोई ज़िम्मेदारी ना डाली जाए लेकिन ये जो सुसाइड है अब एक सोशल मनेस की तरह मतलब एक आफत की तरह ये आम हो रहा है तो इस बारे में हमें जान लेना चाहिए अब चूँकि ये इंडिविजुअल मसला नहीं है ये एक सोशल मसला है और सोशल प्रॉब्लम जो होती है उसकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हम इस यहाँ पर एक शख्स को इसका ज़िम्मेदार नहीं करार दे सकते कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इसका मतलब सदबाव करें बल्कि हर एक को इसमें अपना किरदार निभाना होगा सबसे पहले हर एक फर्द को अपनी अक्ल से और अपने दीन से काम लेके अपनी ज़िंदगी को खुद समझना होगा और अपनी ज़िंदगी को खुद महफूज करना होगा जब आप अपने लिए ख़ुद जालिम बन जाएंगे, तो आप दूसरों के इंसाफ़ की कैसे उम्मीद कर सकते हैं और आप दूसरों की हमदर्दी और आप दूसरों की रहमदिली की कैसे तो रख सकते हैं तो सबसे पहले हर शख़्स को मैं कहता हूँ हर शख़्स को अपनी ज़िंदगी खुद समझनी होगी और ख़ुद सम अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करनी होगी और इसको सही ट्रैक पर रखना होगा जो अल्लाह हमारे लिए तय कर रखा है उसके बाद वालदेन की जिम्मेदारी आती है कि वाले जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमायादी अहम नारा हम जानते हैं कि ख़ुदकुशी जहन्नम का रास्ता है जहाँ जब हमें दीगर मौक़ों पर हम पर यह फरीज़ा आयद होता है कि हम अपने अहल आयाल को इसकी रहनुमाई करें कि जहन्नम के रास्तों से बचें तो यहाँ पर भी हमें कहना होगा कि मुश्किल ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इन मुश्किल का हमें सामना करना चाहिए इनसे डर कर इन भाग कर जहन्नम का ये रास्ता यानी खुदकुशी इख्तियार नहीं करनी होगी ये हमें अपने अहरोल को इसकी तरबियत देनी होगी अभी कुछ और जिम्मेदारों का तजगरा बाकी है इसलिए कि ये तब तक बात अधूरी रहेगी और जो जिम्मेदार है उनमें अदा कर राम इसम ये थोड़ा सा क्योंकि हमारा जो आजकल एजुकेशनल सिस्टम है और फिर आ, हम उसमें बहुत सारे बुलंद बा, बांग दावा करते हैं कि एजुकेशन जो है मतलब आ, बहुत हार्टस पर पहुंच चुके हैं लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है हमारे सिस्टम पर कि अगर तालीम जो है उसका रैश हो हमारे यहाँ मतलब बुलंद हो रहा है तो सुसाइड्स ज़्यादा क्यों हो रहे हैं बहरहाल वहाँ पर जब हम रेस्पॉन्सिबिल की, की बात करेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करेंगे उनमें एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमाम की बनती है कि वो अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को समझाएं कि ज़िंदगी क्या है ज़िंदगी की कदर कीमत क्या है और ज़िंदगी की हिफाज़त कैसे होगी और ज़िंदगी सही मानों में उसका हकीकी इस्तेमाल क्या होगा इसका ग़लत इस्तेमाल कैसे होता है और कैसे एक इंसान हलाकत के रास्तों से बच सकता है ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इसमाम की इसके बाद दीन की भी ज़िम्मेदारी है खुतबाई कराम की भी ज़िम्मेदारी है लेकिन उनको डाटा से स्टैटिस्टिक्स से बाहर निकलना चाहिए अक्सर हम कहते हैं कि इतनी खुदकुशियाँ हुई वहाँ पर इस तरह खुदकुशी हुई वहाँ पर ऐसे हुआ समरी बयान हाँ ये चीज़ें जो है ये एक तो आम लोग ये जानते हैं तो इसमें मुझे नहीं मालूम कि हम कोई ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं लोगों की इंफॉर्मेशन में तो इसको छोड़ना चाहिए दूसरी बात कि ये जो चीज़ें हैं कभी कभार ये नेगेटिव पब्लिसिटी बन जाती है कभी कुबार हम मतलब अपना रोल गलत तरीके से अदा करते हैं तो ये चीज़ें प्रमोट हो जाती हैं इसके बजाय कि ये डिमोट होनी चाहिए थी तो खुदबा करम को चाहिए कि वो एक तो असल इसबाब की बात करें और फिर शारी जो इसमें कबाहत है उसकी बात करें और ज़िम्मेदारों को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाएं इस और इसके अलावा भी समाज में बहुत सारे जो लोग होते हैं दानश्वर होते हैं इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जिनका सुना जाता है समाज में तो उनको भी इस बारे में आगे आना चाहिए और अपनी बात जो है वो रखनी चाहिए आखिरी तौर तो पर यहाँ पर मैं ज़िम्मेदारी की बात जब करूँगा तो हुकूमत की बात आएगी तो हुकूमत को भी ये समझना चाहिए एक वेलफेयर स्टेट की एक अलमत होती है कि वो अपने लोगों को समझें और उनकी मुश्किल को समझें और उन मुश्किल को हल करने की भी कोशिश करें और इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए क्योंकि हमारी बातें जो है बहरहाल एक आम इंसान की बातें हैं तो हमारे हुकूमत हम हुकूमत जो होती है उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब गहरी नज़र रखते हैं मामलों पर तो उनको सामने आना चाहिए और ऐसे अवेरनेस जो कैंप्स हैं उनको मुनकद करना चाहिए और जो भी ज़रूरी इकदाम हैं वो कर चाहिए ताकि इस तरह की जो हलाकतें हैं इस तरह की जो मतलब तकालीफ हैं समाज में हमें इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े जी जैसे तो सामीन आप देख रहे थे हमारा स्पेशल एडिशन ऑफ गेस्ट इवेंट जिस पे आज हमने लपकुशाए की जो खुदकुशी हैं जो सुसाइड हैं और इसमें जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट थे वो थे फजील शेख प्रोफेसर ुरूर अहमद शाह मदनी हाफ जिनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपना क़ीमती टाइम दिया शेख अरहमि वरकुम तो नाजरीन चूँकि आप जान रहे हैं कि आज हमने गुफ्तु की गु� से नो टू सुसाइड यस टू लाइफ तो इस पर हम इनशा आज एक कैंपेन भी आ, का एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जो अब पास करेंगे हमारे फजीलतुल शेख प्रोफेसर जोहर अहमद शाह अलमदी साहब अपने कीमती सिग्नेचर से शेख साहब अल्लाह तो ये एक हमारा एक जो मैनिफेस्टो था हमारे आज की इस गुफ्तगु का ये यही था से नो टू सुसाइड एंड येस टू लाइफ क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सुसाइड कितना बड़ा गुना है तो ये कैंपेन हम इनशा लॉन्च करेंगे आज जो अभी लॉन्च किया हमारे उस्ताद मोहतरम ने सो हर एक पे जिम्मेदारी अब आयद होती है कि इस पे अपना साथ दें अवेयरनेस कैम्प शेयर करें और लोगों तक ये इंफॉर्मेशन फैलाए इस पर आखिरी अल्फाज हम अपने उस्ताद मोहतरम से सुनना चाहते, है। चाहते हैं चाहते हैं मुख्तर शेख साहब जो ख़ैरा तो हम यही चाहते हैं कि लोग इस बारे में फ़िक्रमंद हो जाएं और देखें कि क्या कुछ हो रहा है और उनकी जो जिम्मेदारी है उसको समझते हुए इस मुसीबत और इस आफत का सदबाव करने के लिए अपना किरदार निभाएं और सबसे अहम जो है वो ये है कि अल्लाह तिस जिसकी हिफाज़त करता है वही महफूज होता है हमें अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए और उसे हिफाजत और सलामती की दुआ करनी चाहिए ताकि हम सब और तमाम मुसलमान जो हैं वो महफूज हों हम सब सबको सलामत रखे।